गुड आफ्टरनून, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन ट्यूसडे यानी दिन मंगलवार और अभी दोपहर का बज रहा है 2। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग दोपहर के 2 बजे से हो रही है। हाँ जी, तो चलिए आज के ब्लॉग में मैं आपको स्पेशल क्या दिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल आज का ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग आपके बहुत काम आने वाला है और बहुत काम का है, और खास तौर से लेडीज और लड़कियों के लिए आज का ब्लॉग बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। तो फिलहाल आप लोगों को तो मैंने बता ही रखा है कि हम लोग जो है ना, अब जो है ये जो मंथ है इसके लास्ट में हम लोग अपने घर के लिए, होम टाउन के लिए निकलने वाले हैं। और घर जाने की हमारी पैकिंग शैकिंग भी जो है ना, हफ्ते भर पहले से ही शुरू है। पैकिंग भी हमने शुरू कर रखी है और लगभग जो है 80% पैकिंग हमारी हो चुकी है। बैग वगैरह हमारे पैक हो चुके हैं और ऊपर की जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी वाली पैकिंग होती है ना, वो तो चलती ही रहती है। तो फिलहाल जब हम लोग कहीं जाने वाले होते हैं, घर जाने वाले होते हैं, कहीं घूमने जाने वाले होते हैं, तो सबसे पहले तो जेंट्स का क्या होता है, लड़कों का तो सेम ही रहता है। कहीं आना जाना हो या कहीं आना जाना ना हो, उनकी सेम लाइफ बिल्कुल एक ही ट्रैक पर चलती रहती है। और लड़कियों का, लेडीजों का क्या रहता है, उनको कहीं घूमने जाना हो, कहीं इवन शॉपिंग के लिए भी जाना होता है ना, तो उन्हें जो है ना 2-3 घंटे पहले से वो जो है ना रेडी होना और माइंड मेकअप करना शुरू कर देती है कि क्या कैसे करेंगे, क्या खरीदेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं तो होम टाउन जा रही हूँ, तो फिलहाल कहीं मतलब जाने का प्लान होता है जब लेडीज का, लड़कियों का, तो हम लोग की सबसे पहले तो 1 महीने पहले, 15 दिन पहले से खरीददारी शुरू हो जाती है। तो ठीक सेम वैसा ही मेरे साथ भी, मैं जो है पूरा 15-20 दिन से अपने लिए ऑनलाइन कुछ ना कुछ जो है कपड़े मंगाने में, खरीददारी करने में लगी हुई थी। तो मार्केट से कुछ, अभी मार्केट से जब तक ये ऑनलाइन, जैसे जब से ये ऑनलाइन चीजों की सुविधाएं हो गई है ना, तो मैक्सिमम मैं भी कपड़े वगैरह चीजें ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी जो है, मैंने भी ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग की है, मीशो से और फ्लिपकार्ट से। मीशो से और फ्लिपकार्ट से 15-20 दिनों में मैंने जम के शॉपिंग की है, जम के खरीदारी की है। जो जो चीजें मुझे चाहिए थी सब कुछ खरीद डाला, कुछ भी बाकी नहीं रह गया फ्लिपकार्ट और मीशो पे। तो फिलहाल चलिए, मैंने इन जो है घर जाने के लिए मैंने क्या क्या सामान खरीदा है फ्लिपकार्ट और मीशो से, वो सारी चीजें आपको दिखाती हूँ मैं भी। आप भी जो है ना, आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मार्केट से शॉपिंग करते हैं, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही सामान खरीदते हैं, कपड़े हो या ज्वेलरी हो या किचन का सामान हो, कुछ भी। तो फिलहाल आज की शॉपिंग मेरे आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सभी लोगों को क्या है, जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले वो रिव्यू चेक करते हैं कि मतलब इस ड्रेस का या जो भी प्रोडक्ट है उसका रिव्यू कैसा है, और रिव्यू को देखकर फिर वो जो है अपना पार्सल बुक करते हैं। तो फिलहाल ये जो मेरी शॉपिंग है, ये मेरी चीजें आपके लिए बिल्कुल रिव्यू का काम करने वाले हैं, और मैं बिल्कुल आपको सच्चा और रियल रिव्यू देने वाली हूँ, कुछ भी बनावटी नहीं। जो जैसा है बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको वैसा ही बताऊंगी और विथ प्राइस बताऊंगी। तो फिलहाल चलिए, देर नहीं करते हैं और अपना जो ये ब्लॉग है स्टार्ट करते हैं। पार्सल तो फिलहाल जब मेरे आए थे तो पहले ही मैंने खोल खोल के चेक कर लिए थे, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो तो मतलब डेट निकलने से पहले उनको एक्सचेंज किया जा सके, रिटर्न किया जा सके। तो पार्सल सारे मैंने पहले ओपन कर लिए थे। चलिए आज एक बार फिर से इनको जो है ओपन करूंगी, इनकी अनबॉक्सिंग करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि क्या चीजें मुझे कैसे मिली हैं फ्लिपकार्ट और मीशो से। चलिए स्टार्ट करें, लेट्स गो। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे जो है करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्सल रखे हुए हैं। तो चलो इनको भी बारी बारी से ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इन पार्सलों में क्या क्या मैंने मंगवाया हुआ है। तो सबसे पहला पार्सल हमने ये उठा लिया है, तो ये है, और ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो ये पार्सल फ्लिपकार्ट से आया है, पार्सल ओपन हो चुका है पहले ही। तो इसमें मैंने अपने लिए मंगाया है स्लाइम बैग, तो आप देख सकते हो ये है स्लाइम बैग। ये स्लाइम बैग है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये करीब जो है 300 रुपए के आसपास था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मार्केट में भी इसी रेट पे आते हैं, और लेकिन ऑनलाइन में रहता ना हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए। ये देखिए, तो इसमें 2 जिप्स हैं, ये अंदर से पूरा ऐसे, और अंदर स्पेस भी काफी है, और 2 पॉकेट दी हुई है, और पॉकेट के अंदर भी पॉकेट जो चोर जेब होती है ना, तो पॉकेट के अंदर वो भी पॉकेट ही है, देखिए। तो फिलहाल बहुत ही अच्छा आया है स्लाइम बैग, तो इसको आप परचेस कर सकते हो। और इसकी डोरी भी देखिए कितनी लंबी डोरी है, ये देख सकते हो आप। तो फिलहाल ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो पहला पार्सल तो हो गया, ये इसको साइड में करते हैं। अब ये सेकंड पार्सल है हमारा, ये सेकंड पार्सल, इसमें क्या है चलो देखते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा सेकंड पार्सल, ये भी मीशो से आया है, और ये आया है 272 रुपए का, ये 272 रुपए का पार्सल है। तो इसमें जो है मैंने मंगाई है कुर्ती, इसमें मैंने मीशो से, ये भी पार्सल मीशो का ही है,
और इसमें मैंने मंगाई थी कुर्ती, और ब्लैक और व्हाइट कलर की कुर्ती है ये, तो ये देख सकते हो आप, ये है कुर्ती, 272 रुपए की है, ब्लैक और व्हाइट में इसका इस तरीके से कुर्ती का डिजाइन है, और पूरी ये कुर्ती लॉन्ग में है, और ये बैक में गले में भी इसमें डिजाइन दिया हुआ है, और ये कुर्ती आगे से दो लेयर में है, फिर ये देखिए, ये ओपन वाली आती है ना हाफ, ये देखिए ओपन, तो फिलहाल ये है कुर्ती, मुझे ये कुर्ती भी बहुत पसंद आई, ऑसम, मीशो से 272 रुपए, तो 272 रुपए में फिलहाल क्या लेंगे, 272 रुपए में तो हम लोग खाने जाते हैं तो भी प्रॉपर चीजें नहीं आती हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको दो पार्सल दिखा दिए हैं, और अभी उधर से जो दिखाने में ना मुझे जो है ना काफी मेरे खड़े खड़े पैर दर्द होने लगे, तो मैं इधर से दिखा रही हूँ, तो चलिए अभी तीसरा पार्सल ओपन करती हूँ, और तीसरा पार्सल ये भी मीशो से ही है, फिलहाल इसमें क्या है चलो देखते हैं। हाँ जी, तो ये तीसरा पार्सल ये भी मीशो से है, और इसमें मैंने मंगाया है अपने लिए प्लाजो, ये देखिए प्लाजो, इसमें का मैंने पहले भी एक ब्लैक मंगाया हुआ था, अभी मैंने ये दूसरा मंगाया है, और ये मैंने डेली वेयर घर में पहनने के लिए मंगाया है, और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया, ये देखिए, और ये प्लाजो भी है कुछ 270 रुपए का, ये देखिए इसकी चौड़ाई भी खूब है, ये देखिए ये है इसकी चौड़ाई, तो घर में मुझे ऐसे प्लाजो पहनने में ना अच्छे लगते हैं, तो ये देख सकते हो आप, तो ये भी मैंने जो है मीशो से ही मंगवाया हुआ है, और ये भी काफी बेहतरीन बहुत अच्छा आया है, तो ये हो गया एक ये पार्सल हो गया, चलो अब ये पार्सल है चौहान साहब के लिए है हमारा चौथा पार्सल, इसमें मैंने मंगवाई है चौहान साहब के लिए टी शर्ट, और ये टी शर्ट बहुत ही बेहतरीन आई है, और ये 350 रुपए का कॉम्बो सेट है, कॉम्बो सेट यानी दो टी शर्ट के साथ में है, तो फिलहाल ये, और टी शर्टों की जो क्वालिटी है ना बहुत ही बेस्ट आई है, तो टी शर्ट में थोड़ा आपको पास से दिखाते हैं, फ्लिपकार्ट का है, और ये मैंने मंगाया है अपने लिए, और ये मैंने अपने लिए मंगाई है पैंट, एल साइज का पैंट है ये, और इसका कपड़ा बिल्कुल प्योर कॉटन है, और कपड़ा क्वालिटी तो बहुत ही मस्त है, तो आप ये देख सकते हो ये है पैंट, ये पैंट है पूरा, और बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे ये दो बेल्ट दी हुई हैं, अगर आप बांधना चाहो तो टाइट करने के लिए बांध सकते हो, नॉट लगा सकते हो, तो फिलहाल ये ब्राउन कलर की पैंट है, और मुझे बहुत पसंद आई, तो ये पैंट का कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें कि मैंने एक पैंट और मंगाई है, और ये कुछ मुझे पड़ी है 700 के आसपास, ये 700 की है, तो फिलहाल कपड़ा क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बेस्ट है। ये पार्सल है पैंट के साथ में, मैंने मंगाई है टी शर्ट, उससे मैच करती हुई पूरा सेट बनाया है मैंने पैंट का, टी शर्ट का, और जो सबसे पहले आपको स्लाइन बैग दिखाया ना उसका, तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, चलिए इसको भी ओपन करते हैं, तो ये टी शर्ट है मैंने अपने लिए मंगाई है, तो आप देख सकते हो ब्लैक और हल्का इस पे ऑरेंज शेड है, बहुत ही प्यारी टी शर्ट है, और यहाँ पे स्लिप्स में, स्लिप्स के ऊपर शोल्डर पे यहाँ पे ऐसे ऑरेंज पट्टी दी हुई है, ये आप देख सकते हो, तो ये मैंने जो है एल साइज मंगाई है, ये एल साइज की टी शर्ट है, कपड़ा कॉटन है इसका, और ये टी शर्ट भी जो है कुछ 400 के आसपास है, 400 या 450 के आसपास की है, तो और ये टी शर्ट मुझे ना बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी ये टी शर्ट मुझे, तो ये पैंट और टी शर्ट और स्लाइन बैग का ये मैंने पूरा सेट बनाया है, तो फिलहाल
मीशो और फ्लिपकार्ट ने इस बार चीजें बहुत अच्छी अच्छी भेजी है, मजा आ गया इस बार लेके। और अभी एक ये अगला पार्सल है, ये पार्सल मैंने मंगाया है मीशो से, तो फिलहाल इसमें भी मेरी ही ड्रेस है। चलो दिखाती हूँ क्या है। ये मैंने अपने लिए मंगाई है फ्रॉक, और इसका मैंने स्टार्टिंग में जब आई थी तभी जब पार्सल ओपन किया था तब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर भी दिखाया था। और ये ना बहुत ही सुंदर आई है, 250 रुपए की है, 275 की है ये, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर आई है, बहुत ही ज्यादा सुंदर आई है। चलो इसको ओपन करके दिखाती हूँ। कौन है ये? कपड़ा है पॉली कॉटन, तो ये फ्रॉक है और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। तो हाँ जी, ये है घेर वाली फ्रॉक, और कपड़ा इसका तो कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है, बिल्कुल मल्टी शेड में। और ये आगे से बटन वाली है, तो जिनके बेबी है जो फिटिंग वगैरह कराते हैं ना उनके लिए कुर्ती सबसे बेस्ट है। यहाँ से ये बटने लगी हुई है, आप यहाँ से इनको जो है ना ऐसे बंद कर सकते हो। और ये स्लीव्स जो है ना, ये स्लीव्स भी है क्वार्टर से थोड़ी सी कम है ना। और ये इतना इसमें घेर दिया हुआ है फ्रॉक का, आप देख सकते हो, ये है फ्रॉक का पूरा लेयर, ये देख सकते हो इतना घेर दिया हुआ है, इतना लेयर है इसमें। कितनी सुंदर आई है, बहुत ही बढ़िया, ये देखो कितना प्यारा कलर है, और पॉली कॉटन है इसका कपड़ा, और बहुत ही प्यारा कपड़ा है। और ये मैंने एल साइज की मंगाई है, बहुत ही अच्छी है। और इसके साथ मुझे मिली है ये बेल्ट, इसके साथ मुझे ये बेल्ट मिली है कि इसमें जैसे आप लगाना चाहो बेल्ट तो लगा सकते हो, और ना लगाना चाहो तो आपकी मर्जी। तो इसके साथ मुझे ये बेल्ट मिली है, और बेल्ट भी जो है ना चमड़े की है, मतलब कपड़े वाली नहीं है, चमड़े की बेल्ट है। पार्सल है, ये पार्सल भी मैंने मीशो से मंगवाया है, तो फ्लिपकार्ट के मेरे 2 या 3 पार्सल थे, बाकी सारे मेरे मीशो से ही पार्सल थे। तो चलो इसको भी ओपन करते हैं। और ये मैंने मंगवाई है फ्रॉक, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से फ्रॉक मंगवाई है, थोड़ा सा ये लॉन्ग फ्रॉक है। तो जो पहले वाली ड्रेस मैंने आपको दिखाई ना, उसका शॉर्ट वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, तो आप वहां पे उस ड्रेस का रिव्यू कैसी लग रही है पहन के, तो उसका रिव्यू लेने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मेरा शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। तो फिलहाल ये फ्रॉक है, ये लॉन्ग फ्रॉक है, आप देख सकते हो कितनी लॉन्ग है। और तो फिलहाल ये है लॉन्ग फ्रॉक, और क्वार्टर स्लीव्स है, क्वार्टर स्लीव्स है, स्लीव्स में लेस लगी हुई है, और ये देखो क्वार्टर स्लीव्स है ये, और एल साइज का मंगवाया है। और ये है पूरी फ्रॉक, आप देख सकते हो कितनी लॉन्ग है, और इसका घेर देखो कितना है, ये देखिए इसका घेर भी कितना मस्त दिया हुआ है। और इसका भी कपड़ा जो है ना पॉली कॉटन का है कपड़ा, इसका बहुत बेस्ट है। और इसके साथ भी मुझे आई है ये बेल्ट, इसके साथ में मुझे ये बेल्ट मिली है, लेकिन ये बेल्ट है कपड़े की, उसमें मुझे लेदर की बेल्ट मिली है, इसमें ये बेल्ट है कपड़े की कि आप इसको ऐसे करके बांध सकते हो। तो फिलहाल 1 मीटर की तो है, हाँ 1 मीटर की बेल्ट है, ये देखो। तो फिलहाल चलिए अभी सारे जो पार्सल हैं जो मैंने चीजें मंगवाई हैं ऑनलाइन मीशो से और फ्लिपकार्ट से, पर्स, कुर्ती, फ्रॉक, हैंडबैग, पैंट, टी शर्ट और मेंस टी शर्ट, ये सारी चीजें मैंने मंगवाई है। चलो अब इनको एक बार मैं आपको जो है पहन कर दिखा देती हूँ कि ये सारी चीजें मेरे ऊपर कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ कैसा लग रहा है, तो आप भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो चलो अभी बारी बारी से मैं आपको ये सारी ड्रेसे जो है ना पहनकर दिखा देती हूँ, इनका रिव्यू दे देती हूँ।
गाइस, तो आपने देखा मैंने जो अपनी फ्लिपकार्ट और मीशो से जितने भी शॉपिंग की आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाई और विथ प्राइस, मतलब कितने कितने की मैंने मंगाई है, क्वालिटी कैसा है, मैंने आपको सब कुछ बताया और पहनकर भी दिखाया कि कौन सी ड्रेस कैसी लग रही है। तो फिलहाल अभी लास्ट वाली ड्रेस मैंने पहन रखी है और ये ड्रेस तो मेरी सारी ड्रेसों में से मेरी फेवरेट है। और ये बैग भी बहुत ऑसम आया, मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मीशो और फ्लिपकार्ट की शॉपिंग कैसी लगी, जितना मैंने आइटम मंगाया है वो आप सबको कैसा लगा, पसंद आया या पसंद नहीं आया। फिलहाल चलिए बस आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।